अब हम आरटीसी को फूट देने वाले हैं। अब देखना मैं उसे कैसे फूट देता हूँ और किसकी मदद से फूट देता हूँ। उसके लिए मुझे एक नेट की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है आरटीसी को खिलाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको एक सबसे मुश्किल काम करके दिखाने वाला हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है और देखा भी है। हमारी जो आरटीसी है, देख सकते हैं, जो यहाँ पे स्विम कर रही है, कितने अच्छी तरीके से ये स्विम कर रही है और कितनी अच्छी बड़ी हो चुकी है। और ये प्रॉपर डाइट ले रही है क्योंकि हम इसका मनपसंद फूड इसे खिला रहे हैं, इस वजह से ये अपना फूड खा रही है। देख सकते हैं, और ये कितनी ज़्यादा हेल्दी हो चुकी है। हमने देखा था पहले कि ये बिल्कुल भी स्विम नहीं करती थी, लेकिन आजकल ये स्विम करने लगी है और हमारे टैंक में बहुत अच्छी तरीके सेट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं मेरे टैंक में कितनी सारी फिशेज है। और हमें आरटीसी को खिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था पहले, क्योंकि मैं जब इसे फूड देता था या चिकन लीवर देता था तो बाकी सारी फिशेज उसे खा जाती थी और इसे कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि ये बॉटम फीडर है। और जब भी मैं डालता था तो वो बॉटम पे आने से पहले ही ख़त्म हो जाता था वो फूड। तो हम आज इसे आपको दिखाने वाले हैं, हमें किस तरह से इसे खिलाते हैं और हमारी बाकी फिशेज को क्या खिलाते हैं। वैसे तो आप सभी को पता है मैं इसे क्या खिलाता हूँ, लेकिन आज आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूँ मेरी आरटीसी को खिला के कि वो किस तरीके से खाती है खाना और उसे हम कैसे देते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं और कैसे खाती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चलते हैं इसे फूड खिलाते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी हिकारी स्टेपल दिखाते हैं आपको, जो हम बहुत दिनों से इसे खिला रहे थे अपन फिश। देख सकते हैं, ये सामने रखते ही किस तरीके से करने लग जाते हैं। इन्हें पता चल जाता है कि इनका खाने का टाइम हो चुका है। और देख सकते हैं, आरटीसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि वो ये पैलेट खाती ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो मनी प्लांट भी है कितने अच्छी तरीके से हो रहा है यहाँ पे ग्रो। और ये लाइट भी देख सकते हैं, मैं बहुत लोड करके रख चुका हूँ उसे, ताकि हमारी मनी प्लांट को ज़्यादा सनलाइट ना पड़े, आर्टिफिशियल लाइट, तो इस वजह से वो काफ़ी लो पे है। तो ये सब छोड़िए, हम इसे खाना देते हैं। चलिए सबसे पहले मैं अपनी जो बाकी फिशेस को खाना देता हूँ, उसके बाद आरटीसी को खाना देता हूँ, क्योंकि हमारी बाकी फिशेस बहुत ज़्यादा ही बड़ी है और बहुत ज़्यादा उनका डाइट है। तो सबसे पहले मैं उन्हें देता हूँ। अब देख सकते हैं किस तरीके से सब खाते हैं खाना। हमारी आरटीसी भी कोशिश कर रही है कि उसे लगता है कि हमने उसका खाना डाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देख सकते हैं हमारी आरटीसी भी वहीं कहीं पे है, और बाकी सब ने खाना खा लिया अच्छी तरीके से। कुछ खाना वहाँ भी है, वो छोटे फिशेस वहाँ खा रही है। अब देख सकते हैं ये फिश बहुत दिनों से मेरे पास है और इसकी ग्रोथ हो ही नहीं रही है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये फिश की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ये जब मैंने इसे लाया था छोटी ऑस्कर को, जो बड़ी हो चुकी है अभी, वो तब से मेरे पास है, लेकिन उसकी ग्रोथ यहीं पे स्टंट हो चुकी है। तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि वो उसकी ग्रोथ हम रिवर्स कैसे करें फिर से। देख सकते हैं आरटीसी इधर आ चुकी है। अब हम आरटीसी को फूड देने वाले हैं। अब देखना मैं उसे कैसे फूड देता हूँ और किसकी मदद से फूड देता हूँ। उसके लिए मुझे एक नेट की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है आरटीसी को खिलाने के लिए। ये है हमारा चिकन लिवर, तो हम इसे डालते हैं अपने नेट पे ऐसे, और हम अब इसे आरटीसी को देने वाले हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट डालते हैं तो वो सारी फिशेस बाकी फिशेस खा लेती है उसे। तो हम इसे पूरा बॉटम तक छोड़ते हैं, तब हमारी आरटीसी अच्छी तरीके से खाती है इसे। तो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन हमारी ऑस्कर भी रेडी है इसे अटैक करने के लिए, तो काफ़ी मुश्किल होने वाली है। तो उसके लिए हमारे पास एक और दूसरा ट्रिक है। हम थोड़ा सा जो हमारे पास चिकन लिवर है, हम उसे थोड़ा दूसरे साइड डालेंगे, ताकि उनका ध्यान थोड़ा सा उस साइड हो जाए। देखिए मैं इस तरीके से देता हूँ, यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, फिर वो बाकी फिश उधर चली जाती है, और फिर मैं इसे धीरे से नीचे डाल देता हूँ, फिर वो आरटीसी उसे खा लेती है। अब देख सकते हैं किस तरीके से हमारी आरटीसी खा ली, और इसे भी देख सकते हैं
हमारी पैरोट भी उसे खाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं आरटीसी को देना चाहता था, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है इसमें ऐसे खिलाने पे। और मैंने स्टिक का भी यूज़ किया था, और हम देंगे इसे आरटीसी को, क्योंकि आरटीसी को सिर्फ दो ही पीस मिले हैं, तो हम इसमें और पीस डालने वाले हैं। तो ऐसे करके मैं ऐसे भी देने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई स्टिक हो तो आप स्टिक में अगर चिकन लीवर को फंसा के ऐसे नीचे डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मैं इसी से करता हूँ क्योंकि मुझे ये काफ़ी सूटेबल लगता है। तो आप देख सकते हैं आरटीसी एक पीस खा के कितना, दो पीस खा के कितना ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो हम इसे और देने वाले हैं अभी, क्योंकि वो एक दो पीस से ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो मॉन्स्टर फिश है, उसे बहुत ज़्यादा फीड की ज़रूरत होती है। तो हम अभी और डालने वाले हैं उसमें, तो चलिए अब डालते हैं, नहीं तो सारे फिशेस वापस आ जाएंगे यहाँ पे, जैसे आ रहे हैं। तो चलिए डालते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर से लड़ाई हो चुकी है, हमारी जो कैट फिश है वो दूसरे के मुंह से छीनने लगी है। तो हम उसे जल्दी से देते हैं दूसरा फूड, मतलब सेकेंड टाइम। देखिए सारी फिशेस इधर आ चुकी है, तो मैं चलिए इसे खाना देता हूँ। ये हमारी आरटीसी यहाँ पे आ चुकी है और हम इसे फूड देंगे। देख सकते हैं ये ऑस्कर हमें अटैक करने की कोशिश कर रही। देखिए ये जो ये गलत साइड से पकड़ लिए, अब देख सकते हैं कितने ज़्यादा एग्रेसिव है मेरे फिशेस। हमारी आरटीसी भी खाना खा चुकी है और बाकी सब भी खा लिए अच्छी तरीके से। मैं अभी वीडियो शूट कर रहा था इस वजह से ये ऐसा हो रहा है, नहीं तो मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से फीडिंग देता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ में फीड है इस वजह से। तो आप ऐसे अपनी आरटीसी को खिला सकते हैं, और जो स्टिक मेथड है वो ज़्यादा मुझे बेटर लगता है, लेकिन स्टिक में मुझे मेरी फिशेस को हर्ट ना हो जाए करके मैं स्टिक यूज़ नहीं करता, क्योंकि मेरी फिशेस बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव है, तो वो स्टिक का टिप को खा सकती है, तोड़ भी सकती है, तो मैं उसको वो नहीं करता ज़्यादा, इसलिए मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है। तो आप ऐसे ही अपनी आरटीसी को भी फूड दे सकते हैं। तो फीडिंग हो चुका है हमारी मॉन्स्टर टैंक का, और आप देख सकते हैं ये फीड लेने के बाद कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ये टैंक कितना ज़्यादा बड़ा लगने, फिशेस कितनी ज़्यादा बड़ी लगने लग जाती है मुझे फीडिंग के बाद। देख सकते हैं मेरी ऑस्कर भी बहुत ज़्यादा ही प्यारी ऑस्कर है मेरी, और आप कैटफिश को देख ही सकते हैं। तो ये वीडियो में बस इतना ही, और काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं आगे। मैं एक अमेज़ोन से कुछ चीज़ मंगाया हूँ, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो क्या चीज़ है और उसे मैं कहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो वीडियो पे आप बने रहें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर कीजिए, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।